हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताजमहल। जी हाँ, मैं आज आया हूँ ताजमहल। अभी सुबह के बज रहे 6, मुझे सनराइज देखना था क्योंकि मैंने कभी सनराइज ताजमहल से नहीं देखा। दिस इज माय 4th टाइम इन ताजमहल, बट मैं एक ही बार अंदर आया था और 2 बार मैं पीछे की साइड गया था, तो मैंने कभी सनराइज नहीं देखा। तो अभी सनराइज हो चुका है बट हमें अंदर जाना है। मैं सुबह आ गया था बाई ट्रेन दिल्ली से आगरा, तो फिर वहाँ से मैं ऑटो से आया। ताजमहल यार, सबका मतलब जो भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो ताजमहल घूमने जरूर आते अगर वो इनकेस आगरा आते। अभी मैं जो एंट्री कर चुका हूँ यार, वहाँ पे लाइट ही नहीं थी जब सुबह मैं आया था, तो इसमें कुछ दिखता नहीं है, तो इसी वजह से मैं अंदर आ चुका हूँ। ये इसका मेन गेट है जो कि इसको रॉयल गेट बोला जाता है, और ये ऊपर गुंबद दिख रहा है आप लोगों को। ये 11 गुंबद है इसके आगे की साइड और पीछे की साइड भी। और ये गुंबद ये बताता है कि इसका ड्यूरेशन, कि ताजमहल है इसको बनाने में 22 साल लगे थे और ये 1932 में स्टार्ट हुआ था, 1949 में कंप्लीट हो गया था, बट कुछ इसके काम बाकी थे तो 1653 से स्टार्ट हुआ था। सो वो कहते हैं ना कि द सिंबल ऑफ लव ताजमहल, जो कि शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था, मुमताज की याद में। मैं किसके लिए ताजमहल बनाऊँ? देखता हूँ। तो गाइज, हम अंदर आ चुके हैं ताजमहल के, जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, और आज मेरे साथ ना मेरी फ्रेंड भी आई है जो कि मैं 6 साल बाद मिला हूँ, तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये मैडम है जिनको 6 साल बाद फुर्सत मिली है हमसे मिलने के लिए। से इज मृदुला, और से इज फ्रॉम कालिम्पोंग, और मतलब हम साथ काम करते थे बट अब नहीं करते, हम अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं। एंड इनको 6 साल लगे मुझसे दोबारा मिलने के लिए, वो भी काम मिल रहे हैं। ताजमहल आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ताजमहल। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ कि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि छुप छुप के वीडियो बनाए, अगर पकड़ लिया तो फिर फाइन भरना पड़ेगा। और वेदर अभी ठीक है, गर्मी नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ा आगे जाएंगे, देखते हैं कि कैसा दिखता है वहाँ से ताजमहल। 4 साल बाद आया हूँ ताजमहल देखने के लिए दोबारा से। सो इस पोज के बिना ना यहाँ पे ताजमहल में आना अधूरा रह जाता है। सो देखो, सब पोज कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, ताजमहल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पता नहीं शाहजहां ने भाई 22 साल लगा के कैसे इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई। ये क्या बवाल चीज़ है भाई, ताजमहल जैसा दिख रहा है, ये तो ताजमहल ही है क्या? मैं भी एक ताजमहल बनाऊंगा अपने मुमताज के लिए। क्या कहते हो भाई लोग, बना लूँ क्या? गाइस, ये इस साइड में जो दिख रहा है ना, ये रेस्ट हाउस है, जो शाहजहां के जो मेहमान आते थे ना गेस्ट, उनको रेस्ट करने के लिए ये रेस्ट हाउस बनाया गया था। और इस साइड में जो है, ये जो है मस्जिद है, और ये बीच में अपना ताजमहल। गाइस, जो टिकट के चार्जेस हैं ना, वो ताजमहल आने के, वो 45 है अगर आप ऑनलाइन करते हो, जो कि आप इस पार्ट तक ही आ सकते हो। ये जो ऊपर है ना ताजमहल, जहाँ पे जो मकबरा रखा, कहते हैं कि मकबरा है अंदर बट वो आर्टिफिशियल है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है ना, अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हो। तो ऑफलाइन टिकट यहाँ पे काउंटर है मस्जिद के बगल में ही, आप यहाँ आके ले सकते हो। मैंने ऑनलाइन टिकट किया था तो 45 का मुझे टिकट पड़ा, 200 का यहाँ ऊपर जाने का, जो कि आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और ये मस्जिद है,
यहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ पे यार स्कैम से बचे, ताजमहल में आते हो ना तो आपको हर कोई लूटने की कोशिश करता है, तो मेक श्योर कि आप लोग उस स्कैम से बचो। जैसे कि कोई भी आपको बाहर गाइड वगैरह बोलते हैं गाइड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट आप कोशिश करो कि गाइड ना ही लो, क्योंकि वही चीजें बताते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता होता है या किताब से या गूगल इंटरनेट से आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों की मर्जी है, तो इससे थोड़ा वो बचे रहना। ना सुंदर दिख रहा है भाई ये ताज, इसकी ब्यूटी का भाई कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और यहाँ पे ना एक सुरंग है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज ये ना एक सुरंग है जो कि यहाँ से सीधा आगरा फोर्ट को जाती थी। पहले ये जब ये शाहजहां ना ये अपने जो गेस्ट है वो यहाँ रुकते थे ना, जो रेस्ट करते हैं उनको यहीं से वो वहाँ अगर जाना हो रुकने के लिए तो वहाँ लेके जाते थे। जब शाहजहां ने सोचा कि उसने ताजमहल तो बना लिया, लेकिन उसने बाद में सोचा था कि मैं एक ब्लैक ताजमहल भी बनाऊँ इसके बगल में ही। बट उसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने कहा कि भाई इसमें इसको बनाने में बहुत खर्चा आएगा तो हम आपको बनाने देंगे, इसीलिए उसने उसको बंदी बना लिया और यहीं से ले जाके उसने आगरा फोर्ट में बंद कर दिया इसी सुरंग का इस्तेमाल करके। और ये देखो ये यमुना नदी है, और इसके पीछे जो है ना उधर की साइड में मेहताब बाग है, वहाँ से भी ये ताजमहल का बैक का जो व्यू है बहुत ही सही दिखता है। गाइस ये देखो ऊपर से जो ताजमहल का व्यू कितना प्यारा दिखता है। और इस साइड में है आगरा फोर्ट जो कि अब विजिबल नहीं है, और ये टावर है, और ये पीछे मस्जिद है। यहाँ पे देखो ये ऊपर से मस्जिद का व्यू भी बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि मतलब फ्राइडे को ये ताजमहल जो है बंद रहता है, तो कभी गलती से भी फ्राइडे मत आना जिसको नहीं पता। मोस्टली लोगों को पता है बट जिसको नहीं पता तो मत आना, क्योंकि उस दिन नमाज पढ़े जाते हैं तो इसी वजह से भीड़ भाड़ ना हो इसीलिए ये बंद रहता है। बाकी दिन आप लोग आ सकते हो ताजमहल घूमने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर है, कहते हैं कि सातवां अजूबा है। तो आप लोग भी आओ, इन्जॉय करो, ताजमहल घूमो, मतलब एक दिन में आप आराम से आगरा का टूर कर सकते हो। वैसे मुझे सिर्फ ताजमहल ही देखना था तो इसीलिए मैं आया हूँ। पीछे मेहताब बाग है, आप उधर भी जा सकते हो, पीछे से भी मतलब आप लोग व्यू का आनंद उठा सकते हो। अभी ये ऊपर भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है फिर, बट मैं छुप छुप के कर रहा हूँ और अंदर अभी ताजमहल के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मकबरा है, बट वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे, नहीं तो बस इसी से काम चलाना पड़ेगा। A few moments later. गाइस ये ताजमहल के ऊपर का गेट है जहाँ इसके अंदर मकबरा है, लेकिन हमें वीडियो शूट करने नहीं दिया, कह रहा प्रोहिबिटेड है, इधर भी नहीं है अलाउड। तो लेकिन मैंने जैसे तैसे वीडियो बना लिए है बाहर के लिए, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भाई बाहर नीचे की ओर जाएंगे। ये थे लास्ट टाइम, देख लो काफी सुंदर दिख रहा है ताजमहल। मैं भी एक ताजमहल बनाऊंगा यार अपने मुमताज के लिए, लेकिन वो मुमताज कहाँ है मुझे भी नहीं पता। गाइज यहाँ पे ना टोटल 16 गार्डन है, और जो फाउंटेन है वो है 53, क्योंकि ये 1653 में कंप्लीट हुआ था ताजमहल बन के, तो इसीलिए ये इसी चीज को रिजोनेट करता है। और यहाँ इस लाइन पे पूरा फाउंटेन स्ट्रेट, और अगर आप वहाँ से देखोगे ना सीधा तो दोनों तरफ एकदम बैलेंस है, बिल्कुल सिमेट्री। अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ से भी, देखो गाइज ये जो सिमेट्री दिख रहा है ना जो फाउंटेन बीच है, तो दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस है। तो गाइज जाते जाते ताजमहल देख लो ऊपर का व्यू, और अभी ये एग्जिट है, हम नीचे जा रहे हैं, एंट्री लोग भी जा रहे हैं। तो गाइज ये जो है ये रेस्ट हाउस है, ऊपर गुंबद के ऊपर ये दिख रहा है ना ये छोटा छोटा, ये पहले ना जब शाहजहां ने बनाया था तो ये गोल्ड का था, उसके बाद अंग्रेज आए हमारे देश में और वो लूट के ले गए, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट है उसने पीतल का लगवाया अभी गुंबद के ऊपर, ये छोटे छोटे से ये दिख रहा है आपको। तो अंग्रेज हमें लूट के ले गए और ताजमहल का ये गुंबद का ऊपर का ये गोल्डन ये भी ले गए। तो गाइस ये देखो जैसे मैंने बताया था ये मेहमान खाना है, यहाँ पे लिखा भी है, तो जैसे कि जो हमारे शाहजहां हैं उनके गेस्ट आते थे तो यहीं रेस्ट करते थे। और इस साइड से ताजमहल कुछ इतना सुंदर दिख रहा है, मैं भी एक ताजमहल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जो मेरी YouTube फैमिली है आप सभी के लिए मैं एक ताजमहल बनाने वाला हूँ, तो जिसको भी डोनेट करना हो कर सकता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ गाइज डोनेट।
टॉयलेट भी अगर आपको सुसु पोटी करना है तो इधर कर सकते हो, लेडीज़ जेंट्स दोनों का ये साइड पे। और ये गुंबद सा बना हुआ है ना, तो ये सारे कमरे जो 20,000 कारीगर थे ना जिन्होंने ताजमहल को बनाया, वो यहाँ पे रहते थे। अब पता नहीं उस टाइम पे ये कैसे रहते थे, बट कहा जाता है कि ये उन्हीं के कमरे हैं। पता नहीं कौन सा कमरा क्या है, इसकी मुझे हिस्ट्री इतना नहीं पता, बट जितना मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया। ये गार्डन है, ऐसे यहाँ पे 16 गार्डन है, तो आप गार्डन में जाके बंदरों के साथ खेल सकते हो। गाइस ये जाते जाते मेन गेट का, रॉयल गेट का व्यू देख लो, ये वेस्ट गेट एग्जिट है, और वो जो पीछे देख रहे हो ना इधर यहाँ पे, ये साउथ गेट एग्जिट है। वेस्ट गेट से आए थे हम, वेस्ट गेट से यहाँ पे जा रहे, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। फ्री ड्रिंकिंग वाटर है तो आप लोग पी सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है टैप। गाइस ये एंट्री काउंटर है, यहाँ से आपको एंट्री होती है, और यहाँ पे ना सारी चीज़ें फ्री है। तो आप लोग जैसे जूते में पहनने के लिए कवर होता है ना अंदर जाने के लिए ताजमहल के ऊपर, तो वहाँ पे वो बाहर लोग काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हैं तो 10 रुपये लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आते हो तो बिना पैसे के आप अंदर जा सकते हो, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं। तो अंदर एक क्लॉक रूम बना हुआ है, इस साइड पर टिकट बुकिंग काउंटर, अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते तो इधर काउंटर बना हुआ। तो ये ऑफलाइन बुकिंग टिकट काउंटर है, यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट ले सकते हो। बस आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो 5 रुपये कम लगते, ऑफलाइन लेते हो तो मतलब 45 है ऑनलाइन, ऑफलाइन है 50 का, तो 5 रुपये सेव करना है तो ऑनलाइन बुक कर लो, इट्स ईजी। तो मैंने बता दिया, स्कैम से बचो भाई, यहाँ पे आ गए। तो अभी हम चलते कहीं और, मिलते हैं थोड़ी देर में।